उस पॉइंट पर चलने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका वेलकम करता हूं मैं चैनल पटना इंस्टेंट पे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो गाइज, अगर मेरा आपको चैनल पसंद आता होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, जैसे कि लोग मेट्रो के बारे में, पटना मेट्रो जो बन रहा है प्रोजेक्ट, उसके बारे में लोग जान पाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आज ब्लॉग दिखाने जा रहा हूँ। आप जो देख रहे हैं दूर में अपार्टमेंट्स है, उसके जस्ट पीछे मेरा घर पड़ता है जहाँ मैं रहता हूँ, और समझिए कि मेरे घर के जस्ट पीछे जो है मेट्रो का जो काम है वो चल रहा है, और शायद यहाँ पे 90 फीट के बाद यहाँ पे स्टेशन बनने वाला है जो कि मेट्रो का एक बहुत बड़ा स्टेशन रहेगा। समझिए घर से निकलते ही हमें मुझे जो है मेट्रो का स्टेशन मिल जाएगा और वहाँ से हम लोग आराम से अप डाउन कर सकते हैं। अगर समझिए मैं आज ऑफिस अपने बाइक से आता हूँ तो मैं मेट्रो से आऊँगा, काफ़ी सस्ता पड़ेगा, काफ़ी किफ़ायती पड़ेगा और आराम तो होगा ही होगा। तो गाइस, मैं ये बता दूँ, ये मेरे घर का एरिया है, मैं जस्ट घर के बाहर निकला हूँ और ये एरिया पड़ता है बाईपास के पास, घर के पीछे जस्ट बाईपास है, उसी में ये मेट्रो का जो है काम चल रहा है। और जहाँ तक मैंने वर्कर्स से जानकारी दी है, वर्कर्स कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पे शायद स्टेशन बनेगा, अभी वो कंफर्म नहीं है गाइज, मैं बता दूँ शायद स्टेशन यहाँ बनेगा। अगर यहाँ गाइज स्टेशन बन गया तो समझिए मैं घर से निकलूँगा और 2 मिनट के रास्ते पे पैदल के वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो का स्टेशन मिल जाएगा। तो बस वो जानने वाली बात है फ्यूचर में कि क्या होने वाला है। तब तक आप समझिए कि मेरे जस्ट घर के पीछे मेट्रो का काम चल रहा है, रात भर खटर खटर आवाज़ होता है गाइज, और लेकिन चलो मेट्रो है तो मज़ा आता है काफ़ी। फ्रेंड्स, अगर ये छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा मेट्रो का तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।